व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारी संगठनों द्वारा नवागत एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह को बुके देकर स्वागत किया गया। बैठक में एसपी क्राइम ने व्यापारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं से अवगत होते हुए उसके निस्तारण पर जोर दिया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने व्यापारियों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, जिस पर एसपी क्राइम ने रात्रि गश्त को बढ़ाने के साथ ही थाना स्तर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। बैठक में व्यापारी नेता रमेश गुप्ता, अभिषेक शाही, भुवनपति निराला, अनुराग गुप्ता, गब्बू यादव, सत्यप्रकाश सिंह, मुन्ना अभय निषाद, केसी वर्मा, नम्रता श्रीवास्तव, विशंभर पांडे सहित अन्य व्यापारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा, आवश्यक कार्रवाई का मिल गया सर जी, जिसका था वो आए थे व्यापारी, वो आए थे। बताया गया कि श्री धीरज कुमार गुप्ता निवासी हिमालय, जैसे ही उसमें कोई स्टीम एक्टिव होगा तो प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी। चौथा है श्री विशंभर पांडे अध्यक्ष व्यापार मंडल गोरखपुर द्वारा, बताया गया कि कौड़ी राम गजपुर मोड़ से पिकअप पर राजा समान मैन पिकअप के गायब हुए। प्रगति नहीं हुआ, गजपुर मोड़ को तो ड्यूटी लगी थी ना, पहले नहीं पिकअप कर दी, आज तक हम दो साल से पिकअप मांगते रहे, श्री विशंभर पांडे अध्यक्ष व्यापार मंडल गोरखपुर द्वारा बताया गया कि कौड़ी राम गजपुर मोड़ से पिकअप पर लगा सामान मैं पिकअप के गायब हो गया, दो साल से प्रयत्न हूँ लेकिन आज तक टिकट की व्यवस्था नहीं हो पाई। मैं चाहता हूँ कि हम गजपुर मोड़ पर पहुंच चुकी, गगा थाना 17 किलोमीटर पर स्थित है, वहाँ के सीओ और एसएचओ से बात करेंगे, अगर फ्रीजेबल होगा और उपलब्धता होगी तो पिकट लगवा, 10 किलोमीटर गजपुर चौकी है। अलग से देखिएगा कि इस पॉइंट पे पिकेट बड़ा है या कहीं से शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए पॉइंट को, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। स्पेसिफिक डायरेक्शन दीजिए कि अपनी किसी को समीक्षा कर सकते हैं ना, लगातार हमारी 14 पॉइंट पे ड्यूटी चल रही है, वो 14 थोड़े रह गए, या तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा इशू नहीं है। 17 किलोमीटर दूर, 17 किलोमीटर और वहाँ के चार्ज द्वारा जो है इस संबंध में रिपोर्ट दी गई है, उसको भेजा गया था, तो उस संबंध में रिपोर्ट दिए हैं। रात्रि में जो है फिर दिन वहाँ गश्त लगाई जाती है, तथा थाने की मोबाइल नंबर है राउंड पे गश्त मोबाइल इनसे संपर्क करिए, एक बार फोन करके बताया जाए आगे उधर बजाए ताकि पता चलेगा। आप देखिए रात्रि में गश्त मिनट वाले सिटी में जाए उत्तर शहर में बजाय पूरा चौराहा मेरा गगहा थाना में पड़ता सर जी। व्यक्ति राकेश सामन निवासी नानक कुटी शनि देव मंदिर के सामने तरंग फ्लाई के नीचे निकट सुभाष नगर चौराहा थाना गोरखनाथ द्वारा 1,50,000 रुपये बिजली का बिल जमा करने हेतु लिया गया था, जो अभी तक वापस करने में टाल मटोल कर रहे हैं और प्रार्थी का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। नेतृत्व में व्यापारिक समस्याओं का निराकरण हो और जैसा कि आपने कहा है कि जो भी समस्याएं थी उसके निराकरण में हमारी तरफ से एक सार्थक और प्रभावी कदम उठाया जाएगा। हम आप जैसे उत्पादस्थ पदाधिकारी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आशा ही नहीं विश्वास प्रकट करते हैं कि जो हमारी व्यापारिक समस्याएं जो जेन्युइन समस्याएं होगी उनका निराकरण आपके सतत नेतृत्व में होगा। और मैं आज पहली बैठक में आपने जो इंगित किया है या आज एक परिचय मात्र वो रहे तो ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। इस समय तक जो है इसको खींचा जाता है, हम चाहेंगे कि उसका निस्तारण जो है त्वरित हुआ। जनपद गोरखपुर की व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की मेरे द्वारा आज पहली बैठक संपादित की गई। पूर्व में ये बैठकें पूर्व अधिकारी द्वारा होती रही हैं और समस्याओं का जो भी व्यापारी वर्ग की हैं उनका निराकरण किया गया है। पिछली बैठक की समस्याओं का भी निराकरण किया गया है, उनमें से दो समस्या ऐसी थी जिनका निराकरण नहीं हो पाया है और हम कोशिश करेंगे कि लंबित समस्याएं और जो नई आने वाली समस्याएं हैं उनका जिस लेवल से भी जैसे भी
उनके निराकरण का प्रयास हो, वो मेरी ओर से पूरी कोशिश और पहल की जाएगी ताकि सभी व्यापार बंधु एक सुरक्षा के माहौल में और एक हारमोनी के माहौल में अपना कार्य संपादित कर सकें। और इसके लिए हमारे लिए व्यापारी वर्ग का, आम जनता का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, पहले भी होता रहा है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी प्रकार की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो जाए। सर, जाड़े का मौसम सिलसिला बढ़ी है तो पिकेट की बात की है व्यापारियों ने, इसके लिए क्या है? जाड़े के मौसम में जो पिकेट की बात बता रहे हैं, पिकेट तो ऑलरेडी हमारी सब जगह रहती है और मौसम को दृष्टिगत रखते हुए हमने पूर्व जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको एसएसपी महोदय ने सुदृढ़ किया है, नया रोस्टर जारी किया है उसके लिए और उस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। रात्रि में सभी गश्तों की चेकिंग भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।